हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिटाची का एंगल ग्राइंडर है ये मेरे पास, आज इस एंगल ग्राइंडर में आपको आर्मेचर डाल के दिखाऊंगा। मैं इसका जो आर्मेचर है वो जल चुका है, ख़राब हो गया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसका आर्मेचर था, ये देख सकते हो आप, ये इसका आर्मेचर है जो कि ख़राब हो चुका है, फुक्के ख़राब बिल्कुल। अब इसमें नया आर्मेचर डालूंगा इस एंगल ग्राइंडर में, और आपको नया आर्मेचर भी दिखाता हूँ, और किस तरीके से इसमें आर्मेचर लगाना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। जो इसके बाकी पार्ट्स हैं मैंने अलग रख दिए थे किसी डब्बे के अंदर, ये देख सकते हो, ये इसका गियर बॉक्स है, ये बाकी पार्ट्स है इसके जो इसमें लगेंगे, और ये कार्बन होल्डर है, ये इसका गियर है, बैरिंग स्क्रूज है इसके, ये आर्मेचर का नट, ये बैरिंग सील बैरिंग, और आपको अब ये इसको लगा के दिखाऊंगा मैं। और दोस्तों, ये इसका आर्मेचर, ये देख सकते हो, तो देखते रहिए मैं किस तरीके से इसको लगाऊंगा आर्मेचर को। ये लगाना है इसे, और उसके बाद बैरिंग, और फिर ये गियर, फिर इसका नट, और इसको टाइट कर देना है, अच्छे से टाइट करना है दोस्तों इसे, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर लगाना है, और ये फिट हो गया, तो ये देख सकते हैं ब्लॉक हो गया, तो ये लगाना है। अब जो इसके कार्बन होल्डर है वो लगाऊंगा मैं, कार्बन होल्डर को इस तरीके से लगाना है। सबसे पहले तो आपको ये जो सिंबल है ये इसके अंदर लगा देना है कार्बन होल्डर में, और उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। इसी तरीके से दूसरा होल्डर लगाना है, ये सिंबल लगा दिया इसमें, और उसके बाद इस तरीके से। और दोस्तों, इसको बिना बैक कवर के मत चलाना कभी भी, जो इसके होल्डर है वो कभी भी निकल सकते हैं, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिए आप जब कभी भी इस एंगल ग्राइंडर को खोलते हो। तो आप और अब इसका जो बैक स्क्रू है लगा देते हैं बैक कवर का, इसमें दोस्तों मेरे को एक कट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुराना ग्राइंडर हो चुका है, जो इसका स्क्रू है उसमें रस्ट लगा हुआ है जिससे कि ये स्लिप हो रहा है, तो इसके स्लिप को हम अभी खत्म करते हैं। पहले इसको हम सीरीज लैंप में चेक करेंगे कि ओके रिपोर्ट है क्या, बिल्कुल हाँ ओके है, तो फिर अब इसको डायरेक्ट लाइन में लगाएंगे। देख सकते हो बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो चुका है, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने से आपके मेरे को मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं, और आपको बताता रहूं किस तरीके से आप
मशीनों को पावर टूल्स को रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और इसके लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ये मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।